हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मठरी की बिल्कुल नई रेसिपी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसे एक बार बना के काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन हो आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा बोल और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कटोरी के करीब मैदा। तो यहाँ पर ये मैंने 2 कटोरी मैदा ले लिया है। आप चाहें तो 2 कप या फिर जिससे भी आप नाप के ले रहे हैं उस हिसाब से ले लें। तो ये मैंने 2 कप ले लिया है मैदा, बिल्कुल 1 कप के बराबर 1 कटोरी है ये, तो छोटी कटोरी है ये। उसके हिसाब से यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है। इस मैदे में डालेंगे 1/4 कप तेल। तो यहाँ पर मैं ये तेल डाल देती हूँ, यानी कि 1/4 कटोरी तेल। और इसके साथ डाल देंगे इसमें नमक, तो यहाँ पर ये 1/2 चम्मच के करीब मैं नमक ले रही हूँ। इसके साथ डाल देंगे मंगरैल, तो थोड़ी सी यहाँ पर मैंने ये मंगरैल डाल दी, इसे कलौंजी भी कहते हैं। इसके साथ इसमें डाल देंगे अजवाइन, तो यहाँ पर ये अजवाइन लिए मैंने 1/2 चम्मच। और इसे हथेलियों पे इस तरीके से क्रश करके रगड़ कर डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये यूज़ नहीं कर रही हूँ। बस इसे अच्छे से एक बार मिला लेंगे। तो मैदे को अच्छे से तेल के साथ मिलाना है ताकि ये बाइंडिंग के फॉर्म में आ जाए। और ये देखिए, इसे मिलाते मिलाते बहुत अच्छे से ये बाइंडिंग के फॉर्म में आ गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक मीडियम सा डो लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना। तो मीडियम डो तैयार करना है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेते हैं और बहुत अच्छे से ये बाइंड हो रहा है। थोड़ा थोड़ा पानी ले लेती हूँ और इसे तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने ये मीडियम आटा लगा लिया है। इसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल। तो यहाँ पर ये तेल डाल दिया और आटे को अच्छे से चिकना कर लेंगे तेल डाल के। यहाँ पर मैंने ये आटा तैयार कर लिया है और इसके बाद इस आटे को हम रख देंगे किसी दूसरे बर्तन में ढककर 5 से 7 मिनट के लिए। तो आटे को मैं यहाँ पर ढक के रख देती हूँ और सेम बोल में हम दूसरा आटा तैयार करेंगे। सेम ही बोल में यहाँ पर ले रही हूँ मैं 2 कटोरी बेसन। तो जितना हमने मैदा लिया था उसके हिसाब से यहाँ पर बेसन ले लेंगे। बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में दोनों चीज़ों को लेना है। तो यहाँ पर ये बेसन ले लिया मैंने। इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, साथ में डालेंगे थोड़ी सी मंगरैल, थोड़ा सा अजवाइन, तो इसे भी हम इस तरीके से रगड़ लेंगे हथेलियों पर। फिर डालेंगे इसके साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, जिससे कि अच्छा सा कलर आएगा इसमें। तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दिया। और इसके साथ इसमें डालेंगे तेल। तो हमने मैदे में 1/4 कप तेल डाला था, यहाँ पर मैं 1/4 कप का भी आधा तेल डाल रही हूँ, क्योंकि बेसन तेल ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करता है। तो ये मैंने 1/4 कप का भी आधा, यानी कि 1/8 कप मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया है। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर भी मिर्च वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, लाल मिर्च का पाउडर, चिली फ्लेक्स, कुछ भी डालना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस नाश्ते को बिल्कुल प्लेन बना रही हूँ। ऐसे हमने मैदे को मिलाया था तेल के साथ, उसी तरीके से इसे भी हम इस तरीके से मिला लेंगे, तभी जो हमारा ये नाश्ता है बहुत खस्ता बनेगा। तो मिलाते मिलाते इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। तो बेसन पानी भी ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो पानी थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। और जैसा हमने मैदे से आटा तैयार किया है, बिल्कुल सेम आटा हमें बेसन से भी लगाना है। तो जितना हमने पानी मैदे को गूंदने के लिए लिया था, उससे कम पानी में ही हमारा जो ये बेसन है गूंद गया है। ये देखिए, बहुत ही कम पानी लगा इसे मुझे तैयार करने में। और यहाँ पर हल्दी डालने से जो हमारे बेसन का कलर है वो बहुत ही बढ़िया सा आ गया, ये देखिए। तो हाथों पे अब लगा लेंगे थोड़ा सा तेल, क्योंकि बेसन बहुत ज़्यादा हाथों पे चिपकता है। हाथों पे यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है और अब हम बेसन को अच्छे से मिला लेंगे। तो बेसन को भी हम रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो दोनों चीज़ें 5 से 7 मिनट पे रख देते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। और यहाँ पर मैदे को रखे हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं, तो एक बार मैदे को अच्छे से गूंद लेंगे ताकि बिल्कुल क्लीन सा हो जाए आटा हमारा। तो हाथों पर तेल लगा के इसे अच्छे से इस तरीके से मसल मसल कर गूंद लेना है। और यहाँ पर आटा अब काफ़ी चिकना सा हो गया है। इसके बाद इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे नाइफ से कट कर ले रही हूँ और इसकी लोई तैयार कर लेंगे। तो बड़ी सी लोई तैयार करनी है। यहाँ पर एक मैदे की बड़ी सी लोई मैंने बना ली है और इसी तरीके से दूसरे से भी। तो मैदे की यहाँ पर मैंने 2 लोइयाँ बना ली है। इसके बाद जो हमने बेसन रखा था उसे भी रखे हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। एक बार बेसन को भी अच्छे से हाथों पर तेल लगा के गूंद लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बेसन है वो भी तैयार हो गया है। तो इस बोल को रखेंगे साइड में और जो हमने मैदे की लोई बनाई है इसके भी हम बराबर इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, बेसन को भी और इसकी भी हम बड़ी सी लोई बना लेंगे। शुरू शुरू में बेसन काफ़ी चिपक रहा था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं चिपक रहा है हाथों में। तो इस तरीके से हमारी एक बड़ी सी बेसन की भी लोई बन गई है। और यहाँ पर मैंने ये बेसन और मैदे की लोइयाँ बना के तैयार कर ली है। अब बारी आती है इन्हें बेलने की, तो इसे पहले हम बेल लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है ये मैदे वाली लोई और इसमें हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और इसे बड़ी सी रोटी सा बेल के तैयार करेंगे। मैदा लगाते हुए जैसे जैसे अगर ये चिपकता है तो इसमें सूखा मैदा लगाएंगे और इसे बेल लेंगे। तो बिल्कुल चकले के बराबर हम रोटी तैयार कर लेंगे बेल के। यहाँ पर मैंने मैदे को बिल्कुल चकले के साइज का बेल लिया है, चकले के साइज की रोटी बेल ली है। इस रोटी को रखते हैं साइड में। तो यहाँ पर इस रोटी को मैं एक प्लेट में रख देती हूँ और मैदे की दोनों रोटियों को पहले हम बेल लेंगे, उसके बाद हम बेसन की रोटियों को बेलेंगे।
मैं देखिए यहाँ पर मैंने दो बड़ी बड़ी रोटियां बेल के तैयार कर ली है, और अब बारी आती है बेसन की रोटी की। तो जैसे हमने मैदे की बेली है बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा सूखा आटे लगाते हुए इसे भी बेल लेंगे। तो बहुत ही आसानी से बेल जा रही है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये गेहूं के आटे की रोटी है, कहीं क्रैक नहीं पड़ रही है रोटियों पर। मैदे से भी आराम से इसे हम बेल पा रहे हैं, मैदा तो स्ट्रेच होता है फिर धीरे धीरे सिकुड़ जाता है, और ये देखिए बिल्कुल भी सिकुड़ भी नहीं रही है। और इसे भी हम चकले की साइज का ही बेलेंगे, तो इस तरीके से उठा उठा कर इसे हम बेल कर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बेसन की रोटी बेल ली है, और ये देखिए इसकी थिकनेस, और इसका कलर बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके बाद हम सबसे पहले रखेंगे चकले पर ये मैदे वाली रोटी। तो यहाँ पर मैदे वाली मैंने रोटी रख दी है, लेकिन ये सिकड़ गई है थोड़ी सी, तो इसे थोड़ा सा बेल लेंगे, चकले के साइज का कर लेंगे इसे। ये देखिए मैंने इसे बिल्कुल चकले के साइज का कर लिया है। इसके बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर बेसन वाली रोटी। तो यहाँ पर इस तरीके से इस पर मैंने लगा दी है ये बेसन वाली रोटी, और अब करेंगे इसे फोल्ड। तो बस इसे हम सिंपल सा इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जैसे रोल बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से अच्छे से बराबर से इसको फोल्ड करते जाएंगे। देख रहे हैं, ये देखिए, और आराम से फोल्ड हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो यहाँ पर ये मैंने इसे फोल्ड कर लिया है, एक दो बार इस तरीके से हम कर देंगे ताकि आपस में अच्छे से चिपक जाए हाथों से। थोड़ी सी चकले से ये बड़ी हो गई है इस तरीके से करने से। तो ये देखिए रोल हमारा कितना सुंदर भी लग रहा है देखने में ये। और इसके बाद अब इसे करेंगे कट। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक नाइफ, तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम हटा देंगे। तो यहाँ पर इसे मैं कट कर देती हूँ, क्योंकि इसका शेप अच्छा नहीं आता। इसके बाद इसे करते हैं कट। तो जैसे भी थिकनेस रखना चाहते हैं उसके अनुसार कट कर सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया डिज़ाइन भी आया इसमें, तो मैं सभी को ऐसे ही कट कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने ये देखिए सभी को कट कर लिया है, बहुत ही सुंदर से दिख रहे हैं ये। इसके बाद इसे हम थोड़ा सा शेप दे देंगे, जैसे कि ये बिल्कुल लोई के शेप में आ जाएगा ये। तो इस तरीके से मैंने इसे थोड़ा सा शेप दे दिया है हाथों से, और इसे प्रेस कर देंगे। चाहे तो इसे आप ऐसे भी प्रेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना शेप के भी है, फ्राई होने के बाद टेस्टी लगता है खाने में। और इसके बाद सभी को मैं ऐसे ही तैयार कर लेती हूँ, आप चाहे तो इन्हें ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने हल्का सा बेल लेती हूँ ताकि पतले हो जाएंगे और अच्छे से अंदर तक फ्राई होंगे, कच्चे नहीं रहेंगे। तो मैं इसे बेल के दिखाती हूँ। तो इसे रखते हैं साइड में बचे हुए को। तो यहाँ पर मैंने एक इस तरीके का रोल ले लिया है, और दो से तीन बार ही बेलन चलाएंगे, बहुत ज़्यादा बेलन नहीं चलाना इसके ऊपर। तो देखिए मैंने तीन बार बेलन चलाया है, और इस तरीके से मैंने इसे पतला कर लिया है। तो मैं सभी को ऐसे ही तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने एक रोल को कट करके इस तरीके से हमने ये डिज़ाइन और मठियाँ बना के तैयार कर ली है। तो इसी तरीके से जो मैदे की रोटी बची हुई है इस हम बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से मैदे की रोटी से हम सेम ऐसा ही तैयार कर लेते हैं, और इसके साथ ही हम इसे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ, और यहाँ पर जो हमारा नाश्ता है दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो अलग पलट कर से फ्राई कर लेंगे, तो फुल फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे, अगर फुल फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो बहुत ही पेशेंस के साथ इसे फ्राई करना है। और लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारी बेसन और मैदे की मठियाँ बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, बिल्कुल मठियों वाला ही कलर आया इनके ऊपर। तो यहाँ पर जो बची हुई सारी मठियाँ हैं इसी तरीके से मैं फ्राई करके तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं सारे फ्राई कर लेती हूँ, और यहाँ पर मैंने ये सभी मठियाँ बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर ली थी। तो यहाँ पर हमारी ये बेसन और मैदे वाली जो मठरियाँ हैं वो बिल्कुल तैयार हो गई हैं। तो इन्हें आप शाम की चाय के साथ एंजॉय कर ही सकते हैं, साथ में इसे आप सफ़र पर भी ले जा सकते हैं बनाकर, काफ़ी दिनों तक इसे रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और घर में भी आप इसे काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, नहीं ख़राब होगा ये। तो इस तरीके से आप ये मठरियाँ बनाइए, और अच्छा लगने पर फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। और मैं दिखाती हूँ उसका टेक्स्चर अंदर से कैसा है, ये देखिए पूरी क्रिस्पी बनी है, और अंदर से बहुत ही सुंदर सा कलर आया बेसन वाला। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरीके से ये मठरियाँ, और